तो दोस्तों आ चुके हैं ऐतिहासिक कुएं के पास में, और ये वो ऐतिहासिक कुआ है जो 1971 की लड़ाई में भारत पाकिस्तान के समय भारतीय सेना को ये अकेले कुएं ने पानी सप्लाई किया था। और ये वो कुआ है, आप देख सकते हैं अभी पानी यहाँ पे निकालेंगे, स्टार्ट नहीं हुआ है और भेड़ बकरियाँ सारी आ चुकी हैं पानी पीने के लिए। 3 दिन से यहाँ पे पानी नहीं था, तो देखो गाय भैंसे सभी आ चुकी हैं, भैंसे नहीं गाय हैं, गायें आ चुकी हैं। और ये कैसे पानी निकालते हैं, उसकी तैयारी कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पहले जूड़ा बनाते हैं, इस तरह से जूड़ा लगाना पड़ता है, जूड़ा लगा रहे हैं, हवा तेज चल रही है थोड़ी, और ये जूड़ा लगाते हुए इसको बोलते हैं जूड़ा, ये लगा चुके हैं। उससे पानी कैसे निकालते हैं और उससे पहले की प्रिपरेशन कैसे जोड़ते हैं जूड़े को, वो देखो गांठ लगा दी अंकल जी ने, पारंपरिक तरीके से पानी निकालने का एक तरीका है और बिल्कुल शानदार। क्या बोलते हैं कि ऊपर लगाया पंजाली, ये पंजाली लगा रहे हैं पंजाली, और दोनों साथ साथ चलेंगे। एक बार में कितना पानी आएगा? आ जाएगा लगभग 10-15 लीटर। कितना पानी निकालोगे? पानी तो लगभग निकाल देंगे 2000 लीटर। 2000 लीटर कम से कम कोई 10-15 बार आओ जाओगे। हाँ, लेट कैसे हुए आज? थोड़े से दूर चले गए। कितनी दूर चले गए? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर भाई साहब, 9 किलोमीटर लेके आए हो, और इनके पैर बंधे हुए थे तो इनका रस्सा अंकल जी ने तैयारी कर दी है, इसको ढक के रखते हैं जानवरों से ताकि कोई जानवर गिर ना जाए। ये वो छोटा सा कुआं, बिल्कुल छोटा सा, तैयारी चल रही है इसका, ये चड़स अंदर डाल दिया है। भेज रहे हैं उसको, पूरी नीचे चली जाएगी। 200 फीट गहरा कुआ ये, आप उस साइड चले जाओ। जोड़ दिया इन्होंने, जय हो मैया के। जोड़ दिया गया है, उधर बोरे पहली बात मेरी तरफ बोरे Yeah.
रेगिस्तान में पानी पानी। बर्तन नीचे है, इधर इधर रहता है, इधर में। अच्छा हाँ, बर्तन नीचे। हाँ भैया।